यार वीरो की हाल है ठीक हो? ये लाइट है जी, आप देख सकते हैं कि इसको बफ करना है। ये बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये येलो इस टाइप सा इस पे कलर आ चुका है, फेड हो चुका है। ये एक लाइट है, ये दूसरा लाइट है और इसको बफ करवाते हैं कि ये थोड़ा सा साफ हो जाए। ये अपनी होंडा यहाँ पे खड़ी है ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने लाइट्स वगैरह निकाल दी हैं, बम्पर भी निकाल दिया है ठीक है, और यहाँ से भी जो लाइट है वो भी हमने बफ करने के लिए दे दी है। और ये इसके अपने लाइट्स हैं इंडिकेटर वाले, इसको भी हम देखेंगे कि अगर इसको चेंज करने का हमारा प्रोग्राम बना तो इसको भी चेंज करवा लेंगे। और बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं कि लाइट्स और बम्पर के बगैर कितना फीका लग रहा है। तो बस देख रहे हैं जी, मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं ना। ये वाले लाइट्स जो हैं ये यहाँ पे एक लगेगा, एक ये इस साइड वाले पे लगेगा, एक उस साइड पे लगेगा, और दो जो हैं वो सीट के पीछे वाले साइड पे, एक यहाँ पे लगेगा दूसरा वहां पे। तो ये एटमॉस्फेरिक लाइट्स है। ये जी एटमॉस्फेरिक लाइट का रिमोट है ठीक है, और एक हम देख रहे हैं कि इसके लिए हम डबल टेप लगा लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका है, तो इसके लिए डबल टेप लगाएंगे इंशाल्लाह कि इसको भी बिल्कुल फिट कर दें। Two inches later. ये आप देख सकते हैं जी कि ये न्यू लाइट्स हैं इसके, एक दूसरा ये वाला सही है। सकते हैं जी कि ये वाला जो पाइप टाइप से गया इसमें हमने वायरिंग किया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और यहाँ पे इन्होंने फिर यहाँ पे रिले वगैरह लगाया, तो फुल परफेक्ट काम ये कर रहे हैं। ऐसा काम है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी आप देख सकते हैं कि ये फल धोबी का सर्विस है हमारा लॉन्ड्री का, तो अगर आपको ये सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आप पेशावर में रहते हैं और आपको एक अच्छी सर्विस चाहिए, सोफ़ा क्लीनिंग, कपड़े वगैरह वॉश करवाने हो, जो भी सर्विस आपको चाहिए तो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं हम। और मेक श्योर टू कॉन्टेक्ट अस, मैं आपको नीचे लिंक में ये नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अभी जी गाड़ी का 80% काम हो चुका है, अभी जा रहे हैं वो लाइट्स के पीछे जो बफ होने हैं, तो देखते हैं कि वो बफ हो चुके हैं या नहीं। सामने मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो पड़े हुए हैं, तो बंदे से पूछते हैं कि क्या सीन है और कितना टाइम है। ये आप देख सकते हैं कि काम चालू है यहाँ पे। लाला सोना कर दे पके खुश। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आप देख सकते हैं जी कि ये वाला जो है ये क्लिप्स हैं, तो ये पास्ट टाइम आप जब भी अपनी गाड़ी का लाइट्स बफ करवाने के लिए आते हैं तो ये क्लिप्स टूट जाती हैं या पहले से टूटी होती हैं। तो ये अभी देख सकते हैं कि इन भाई साहब ने ये नए वाले क्लिप्स डाल रहे हैं, और इसके साथ ये होगा कि लाइट की ग्रिप मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये और भी ज़्यादा फिट आएंगे गाड़ी पर। इनकी लोकेशन जानना चाहते हैं तो आपको मैं इजीली पेशावर में इनका लोकेशन बता देता हूं। जब भी आप यूनिवर्सिटी रोड पे नादरा वाले साइड पे आएं तो ये वाला जो ऑफिस है ये नादरा का है ठीक है, और इस वाले रास्ते से आप यहां पे आएंगे तो इन भाई साहब का शॉप है, और बेहतरीन काम करते हैं, बेहतरीन सर्विस है इनकी, और इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड हों।
माशाल्लाह से जी, ये एक लाइट लग चुका है और क्रिस्टल क्लियर निकल आया है, क्योंकि बफ के बाद अगर आप लाइट को देखेंगे तो आपको एक न्यू सा लुक देगा। एक ये वाला लाइट है और एक ये वाला लाइट है जी, आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। जी कि ये मैंने जिनसे काम करवाया उनका नाम है अयाज ऑटो डेकोरेशन शॉप है तंबवान मोड़, और आपको उनसे भी मिलवाते हैं। जब भी आप यहाँ पे आए तो ज़रूर उनसे कांटेक्ट करें, वो आपका बिल्कुल खातिर करेंगे, मेरा नाम ज़रूर लें उनसे तो वो आपका खातिर करें। आइए उनसे भी मिलते हैं। ये इनकी प्यारी सी शॉप है, आप देख सकते हैं ये सारे ये हमारे अदनान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं अदनान भाई, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की दुआएं। बस जब भी आपके पास कोई आए मेरे नाम से, नफीस दुरानी के नाम से, बस कंसेशन उनके साथ करें और हम भी उनका तसल्ली बख्श कर दें। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। Next day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to the new vlog. So aaj ji mood thoda sa stay ka bana hai hamara, aur dost ko humne call ki hai Roman ko ke khan aap free ho aaj ya nahi, to unhone hame jawab de diya hai ki wo free hai, to ja rahe hain ji bread chef ki taraf aur inshaallah steak ka thoda sa maza lete hain। I am sure ke aapke muh mein bhi pani aa chuka hoga jis tarah mere muh mein aaya tha jab main ghar pe baitha tha aur maine ek post dekha Instagram pe and suddenly I thought ke why not ke main bhi aaj jaakar steak ka lutf lu। To ja rahe hain ji, bas abhi dost ka wait ho raha hai aur dost ko bithate hain apne saath aur inshaallah chalte hain steak ke liye। Stay tuned। Dekhte hain ji ke vlogger saab aa chuke hain। व्लॉगर साहब अस्सलाम वालेकुम। व्लॉगर साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक सर, आप कैसे? शुक्र है जी। चले चलो चलो। अच्छा जी, तो हम अभी यहाँ पे ब्रेड शेफ पे बैठे हैं और इस पे हम मेन्यू देखते हैं कि अपने लिए कुछ स्टेक वगैरह का ऑर्डर देते हैं। हमारे साथ रोमान दी ब्लॉगर भी बैठे हुए हैं, अजान खान भी आज पहुँच चुके हैं जी हमारे साथ है, और बस देखते हैं जी अच्छा सा ऑर्डर देकर और कुछ मज़ेदार सा मंगवाते हैं। जी आप देख सकते हैं कि हमारा स्टेक वगैरह आ चुका है, मेक्सिकन स्टेक है मेरा, और व्लॉगर साहब का भी स्टेक पहुंच चुके हैं जी। तो बस इसको ट्राई करते हैं जी और इसका लुत्फ लेते हैं और मज़े से इसको खाते हैं। अजान खान का बर्गर भी आ चुका है जी, और बस ट्राई करते हैं जी, उसके बाद आपको इसका रिव्यू बताते हैं। हम देख सकते हैं हम चिकन चौक में खड़े और ये चिकन चौक की ये हालात है जी कि ट्रैफिक है, और रोमान खान आप चिकन चौक में रहते हैं? हाँ, चिकन चौक पर रहना पड़ता है, क्या करें अभी अबू को कह नहीं सकते घर पे। अच्छा जी, तो ये थी मेरी आज की स्टोरी एंड आई होप आपको पसंद आई होगी, और स्टेक वाकई जबरदस्त था ब्रेड शेफ का। मैंने पहले भी दो दफा ब्रेड शेफ का स्टेक ट्राई किया, लेकिन इस बार जो मैंने मेक्सिकन ट्राई किया तो वो बहुत आला था, और आप भी उसको आला ही कह सकते हैं। डोमिनल प्राइस है जी तकरीबन 1350 तक उसकी प्राइस है बीफ में, और उसके साथ मैंने मिंट मार्गरिटा किया था वो तकरीबन था 270, तो रिव्यू बहुत अच्छा था। और घर पहुंचते हैं साथ ही मुझे ये पता लगा कि अम्मी मेरे लिए ये आप देख सकते हैं कोरियन वाले जो नूडल्स हैं वो लेकर आई हैं, फुल पैकेट है, तो इसको जी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे और इस पर भी एक व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह जी। स्टे ट्यून, और इसको भी ट्राई करेंगे
और गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैंने फ़ैन ऑफ की है। तो आई होप कि इंशाल्लाह इसके बाद दूसरे व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह जी, नए स्टोरी के साथ मिलेंगे और एक धमाकेदार स्टोरी के साथ आपके साथ मिलेंगे दोबारा। अल्लाह हाफिज़ जी।